चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसर सीड से। तो देख रहे हैं कि हम कैसर सीड का मार्च वायदा 7,356 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 7,430 का हाई भी लगा चुका है, 4.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। आज देख रहे हैं कि कैसर सीड का मार्च वायदा 306 रुपये की बढ़त यानी कि 4.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है कैसर सीड का मार्च वायदा। कैसर सीड को हमने सुबह में 7,000 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करते हुए देखा था। कैसर सीड बीते कुछ कारोबारी बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से 7,000 के लेवल्स पर सस्टेन होकर चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है कैसर सीड। लेकिन अब देख रहे हैं कि आज बुधवार के दिन हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन जो कैसर सीड का मार्च वायदा है वो 7,000 का आंकड़ा भी पार कर गया है, 7,300 पर ट्रेड कर रहा है और 7,430 का हाई लगा चुका है। देख रहे हैं कि कैसर सीड की जो कीमतें हैं उनमें लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालें तो कैसर सीड की जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत ही हैं। और हमारे जो एक्सपर्ट थे अमित सजेजा, मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा, उन्होंने भी कैसर सीड में 7,300-7,400 का लक्ष्य दिया था, वो भी आज हासिल होता हुआ नजर आ चुका है। तो कैसर सीड में ओवरऑल रुझान तेजी वाला ही रहने वाला है। बात करें यहां से अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार का मार्च वायदा 10,850 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1% की बढ़त। वहीं ग्वार सीड का मार्च वायदा 5,962 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.25% की बढ़त। देख रहे हैं कि ग्वार की जो कीमतें हैं आज भी निचले लेवल्स पर ही हैं, लेकिन कुछ रिकवर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं। तो ग्वार सीड में क्या करके चलना सही रहेगा, आगे जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे ग्राम सीवी पर। नमस्कार अमित जी। अमित जी, सबसे पहले बात करें यहाँ से अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम ग्वार सीड में देख रहे हैं कि निचले स्तर हैं लेकिन थोड़ी रिकवरी भी हुई है, तो अब यहाँ से क्या माना जाए? क्या अभी भी ग्वार कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिलता रहेगा लोअर लेवल्स पर, या फिर यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी? जी, जो पिछले हफ्ते 5,650 के सपोर्ट की बात हुई थी या एक सेल टारगेट टू बी प्रिसाइज बात हुई थी, वो तो ग्वार सीड ने मार्च वायदा ने कंप्लीट कर दिया और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने मिली है करीबन 4% की लोअर एंड से। तो ऐसा लगता है कि ये जो बढ़त है ये कुछ और समय जारी रहेगी और हमें 6,100 से 6,200 तक के भी लेवल देखने मिलेंगे एक हफ्ते के परस्पेक्टिव से। वहीं पर ग्वार गम में भी ऐसा मेरा मानना है कि 10,300 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट थे, 10,500 से बाजार पलटा है और 10,850 के करीब है। यहाँ पर भी एक बार 11,200 तक की एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स के करीब से पलटे हैं अपसाइड में, तो ये जो बढ़त है ये और एक्सटेंड हो सकती है और करीबन करंट लेवल से भी 3.5% से 4% की तेजी एक हफ्ते में ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही देखने मिल सकती है। जी अमित जी, बात करें यहाँ से अगर आप कैसर सीड की, तो कैसर सीड में देख रहे हैं कि 7,000 के लेवल्स पर सुबह में ट्रेडिंग करता नजर आ रहा था, अब देख रहे हैं कि कैसर सीड का मार्च वायदा 7,360 पर है ट्रेडिंग कर रहा है और 7,430 का हाई लगा चुका है, 4.5% की बढ़त है। अमित जी, आपने जो लेवल्स दिए थे 7,200-7,300, आपके वो लेवल्स आज अचीव होते नजर आ चुके हैं, आपका टारगेट कैसर सीड का अचीव हो चुका है, अब यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी एक मुनाफा वसूली बनेगी या फिर जो रैली है वो एक्सटेंड होगी? जी बिल्कुल, 6,600 के करीब जो सपोर्ट है वो पिछले हफ्ते टेस्ट हुए थे, उसके बाद हमने काफी बढ़िया तेजी एक ही दिन में लगभग 4.5% की तेजी आपने देखी है।
हालांकि टारगेट तो अचीव हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मोमेंटम है वो अभी भी तेज है, फ्रेश बाइंग भी की जा रही है। तो ऐसा लगता है कि 7200 के ऊपर जब तक प्राइसिंग होल्ड है, तब तक की जो करंट रैली है वो 7650 से 7700 तक भी एक्सटेंड होगी, यानी करीबन 3 से 3.5% की और तेजी हमें हो सकता है इसी हफ्ते में दिखाई दे। तो मैं अभी भी लॉन्ग ही प्रेफर करना चाहूंगा और 7200 के नीचे के स्टॉप लॉसेस के साथ अभी भी बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है। जी अमित जी, बात करें यहाँ से अगर आप बिनौला खल की, तो बिनौला खल का मार्च वायदा देख रहे हैं 3000 के लेवल्स पर ही है। अमित जी, देख रहे हैं कि 3000 के लेवल्स पर काफी दिनों से बिनौला खल स्टक होके रह गया है, आपको क्या लगता है इन लेवल से बिनौला खल कब तक निकल पाएगा और कब तक 3550-3600 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, काफी लंबी कंसोलिडेशन हमने देखी है जहाँ पर प्राइजेस 3000 से 3500 के बीच काफी हद तक एक रेंज बाउंड या एक दायरे का कारोबार दिखा रही है। हालांकि ये बात भी है कि 2900 से 3000 का जो मेजर पोजिशनल सपोर्ट जोन है वो भी ब्रेक नहीं हो रहा है, और निश्चित तरह से हर बार बाइंग आती है और 3500 तक हम देखते हैं प्राइस आते हुए। तो ऐसा लगता है कि इमीडिएट तौर पे यानी 2 से 3 हफ्तों के तौर पे लगता है कि एक बार 3400 तक के स्तर दोबारा देखने मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस जरूर टेस्ट हो रहा है जो निवेशक है उनका, लेकिन जब तक 2900 के ऊपर भाव टिके हुए हैं तब तक मैं पोजिशनली बाय साइड में रहूंगा। जी हमें जी, बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में भी हमने कल कीमतें गिरते हुए देखी थी, आज भी देख रहे हैं शाम के कारोबारी सत्र में मसाला बाजार थोड़ा टूटता नजर आ रहा है। धनिया 10700 के लेवल्स पर है, जीरा देख रहे हैं कि जीरे का मार्च वायदा 20980 पर लुढ़का है, और हल्दी 9300 तक देख चुके हैं पहले ही। अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी मसालों में और करेक्शन बननी बाकी है? अमित जी, मसालों का बाजार देख रहे हैं कि नरमी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, चाहे धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, तीनों में ही कल भी मुनाफा वसूली बनी थी, आज भी मुनाफा वसूली बनते देख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या मसालों में अभी यहां से मुनाफा वसूली कुछ और बन सकती है क्या? जी देखिए, धनिया में ऐसा लगता है कि जो मुनाफा वसूली है थोड़ी और गहरा सकती है, 10600 से 10550 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा गहरी गिरावट हमें देखने मिलेगी। और इनफैक्ट जीरे में तो हम ऑलरेडी 20500 के स्तर देख चुके हैं, वहां से हमने लगभग पिछले 2-3 सेशन में एक रिकवरी भी आते हुए देखी है। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल ये मुनाफा वसूली का दौर है, ज्यादा डीप करेक्शंस नहीं देखने मिलेंगे। निश्चित स्तरों से यानी 10600 के करीब से अगर दुनिया में बाइंग की जाए 11200 के लक्ष्य के लिए, और जीरे में भी अगर 20800 से 20700 के बीच बाइंग की जाए 22000 प्लस के टारगेट के लिए, तो वो ज्यादा फायदे का सौदा होगा। और शॉर्ट टर्म में 1 या 2 दिन वेट करके एक्चुअली बाइंग पोजीशन बनाना मेरे हिसाब से बेहतर या मुनाफे का सौदा हो सकता है। जी अमित जी, बात करें अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन भी 37 के लेवल्स पर देख रहे हैं, अब हल्की सी रिकवरी है, आपको क्या लगता है क्या अभी भी कॉटन ऐसी सीमित दायरे में रहेगी? जी कुछ कंसोलिडेशन होना लाजमी है, क्योंकि हमने बहुत ही बड़ी और बहुत ही बढ़िया रैली आते हुए देखी है पिछले कुछ महीनों में। आपको ऐसा लगता है ये जो एक दायरे का कारोबार है वो 39000 से लेकर 36000 के बीच होगा, जहां पर प्राइजेस अप एंड डाउन स्विंग कर सकते हैं, क्योंकि हम निचले दायरे के आसपास से फिर से उभर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ऊपरी दायरे के तरफ सप्तम में प्राइजेस जा सकती है। तो 38500 से 39000 के लक्ष्य के लिए फिलहाल बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा, और इस शेड के लिए 36700 का स्टॉप मैं सलाह देना चाहूंगा रखने के लिए। जी अमित जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि लगातार तेजी की ही हो रहे हैं, हाजिर में भी कीमतें अच्छी खासी हैं, किसी किसी जगह 8000 हाजिर बाजार में कीमतें देखने को मिल चुकी हैं सोयाबीन की, NCDX पर 7900 है और US सोयाबीन $1660 के ऊपर सस्टेन है। अब आपको क्या लगता है रशिया यूक्रेन के बीच जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देख चुके हैं हम, दोनों के बीच में वॉर देखने को मिल रही है, और जो बाकी खाद्य तेल हैं, जो बाकी एडिबल ऑयल्स हैं, उनमें भी देख रहे हैं तेजी की हो रहा है, चाहे CPO हो, रिफाइंड सोया हो, या फिर कोई भी खाद्य तेल हो, सब में तेजी देखने को मिल रही है, उन सब का असर अब सोयाबीन के बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है?
जी देखिए, ऑलरेडी जो बेस फॉर्मेशन हुआ था, यानी जब ये काफी दायरे में ट्रेड कर रही थी प्राइजेस 6000 से 6500 के बीच, तब यही बात हुई थी कि पोजिशनली जो व्यू है वो तेज है, 7300 तक प्राइसेस जा सकती है, मतलब वो भी लेवल निकल चुका है, 8000 के करीब है। ओवरऑल यस, जो हम देख रहे हैं कि पूरा कॉम्प्लेक्स खास करके रिफाइंड ऑयल या CPO भी है हाजिर बाजार में तेज है, तो उसके चलते सोयाबीन पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिला है। अपसाइड में मेरा मानना है कि और 5 से 6 फीसद की जगह है जहां पर प्राइसेज 8000 टारगेट कर सकती हैं आने वाले 2-3 हफ्तों में। तो ये जो तेजी है ये ब्रॉडली 7300 के ऊपर जब तक टिका हुआ है बाजार, तब तक तेजी जारी रहेगी। यानी डिप्स अगर आती भी है 7600-7700 तक, वहां से दोबारा जो है 8500 के लिए एक तेजी बनेगी और करीबन 5 से 6 फीसदी की तेजी आने वाले कुछ सेशंस में दिखाई देगी। जी अमित जी, बात करें अगर मेंथ ऑयल की, तो मेंथ ऑयल में आपको क्या लगता है, अभी मेंथ ऑयल में क्या पोजीशन बनाना सही रहेगा, क्या मेंथ ऑयल मुनाफा दे सकता है? जी बिल्कुल, मेंथ ऑयल में मेरा मानना है कि फिलहाल एक निचले स्तर से बाइंग हमें अमेजो को देखी है, 950 से 960 के रीजन में काफी अच्छे कंसोलिडेशन है। हालांकि 1010 के आसपास रेजिस्टेंस भी है, तो फिलहाल वही टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन उसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो 1035 तक जो पीजी है वो एक्सटेंड हो सकती है। जी अमित जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स के देना चाहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है इस पूरे कारोबारी सप्ताह? जी मेरे हिसाब से कैप्सिसिन में बाइंग करके चला जा सकता है, और दूसरे यहाँ पर जीरे में 20,700 से 20,800 के बीच बाइंग कर सकते हैं, 20,200 के स्टॉपर्स के साथ, और इमीडिएट तौर पर 21,800 का टारगेट लिया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसल का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और आगे जाके किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।